हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाटरप्रूफ होली मेकअप लुक। सो ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और ये जो आई मेकअप है सुंदर सा कलरफुल सा, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। सो अगर आप इस लुक को सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मैंने ये वाटरप्रूफ बेस मेकअप कैसे करा है। तो ये मैंने वाटर लिया है और ये वाटरप्रूफ मेकअप मैंने किया हुआ है। अभी मैं जस्ट इसके ऊपर ये वाटर डालूंगी, बट फिर भी ये मेकअप मेरा हिलेगा भी नहीं। जस्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, मैंने इतना सारा वाटर डाला बट सिर्फ पानी फिसल के मेरे स्किन से बाहर जा रहा है, मेकअप बिल्कुल भी नहीं उतर रहा है। अब आपको मैं इसे ड्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो ये आप देखो, ये कॉटन है, बिल्कुल वाइट है। एंड अब देखो, बिल्कुल भी ये उतरा नहीं, कुछ भी मेकअप नहीं उतरा, बस पानी लग गया है और मेकअप मेरा जैसा का जैसा है। सो ये मेकअप अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आने वाली है, और आप होली में ये मेकअप लुक कर सकते हो। चलो आई मेकअप नहीं किया चलेगा, बट ये बेस मेकअप आप ज़रूर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने स्किन को प्रेप कर लिया है, क्योंकि अगर आप होली में मेकअप कर रहे हो और आप अपने स्किन को बिना प्रेप करे चले जाओगे तो आपके जो कलर होंगे वो आपकी स्किन पे जाएंगे और वो आपकी स्किन को हार्म भी कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने स्किन को बहुत, जो आप रेगुलर बेसिस पे जो आप करते हो स्किन प्रेप, उससे बहुत अच्छे से आपको होली के लिए यूज़ कर रही हूँ इनसाइड की प्राइमर, और इसे मैं अपने फेस पर लगाऊँगी, अपने पोर्स पर लगाऊँगी। जहाँ पर भी आपके ओपन पोर्स है आप इसे थोड़े क्वान्टिटी में वहाँ पे लगा सकते हो। अपने आई पे कंसीलर लगाएंगे। ये आईब्रो, मैंने आईब्रो को क्लीन करने के बाद हम अपने आई पे कंसीलर लगाएंगे। तो मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का। उसके बाद हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। अभी जो मैं आई मेकअप करने वाली हूँ वो मैं एक आई मेकअप कर रही हूँ जो मीनाक्षी दत्त ने हाल ही में अपने एक मॉडल पे करा था, और उस आई मेकअप को मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस टाइप का आई मेकअप देख लिया आपने। तो ये जो आई मेकअप है ये अभी मैं करने वाली हूँ अपने आईज पे। ये जो आई मेकअप है ये आप होली, मेहंदी, संगीत कहीं पे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी क्रीज जो बनाई है वो ऑरेंज कलर से बनाई है, ठीक है। ये मैंने ऑरेंज कलर ले लिया है, अब हम इससे अपनी क्रीज बनाएंगे। ये ऑरेंज कलर हमने लगा लिया है, अब इसके बाद हम कट क्रीज बनाएंगे। ये हमने कट क्रीज कर लिया है।
लग रहा है। बिल्कुल सुंदर सी वाइट कलर की साड़ी मैंने पहनी हुई है और उसके ऊपर मैंने ये कलरफुल आई करा है। सो ये आप हल्दी मेहंदी संगीत में भी ये आई मेकअप कर सकते हो। बहुत ही ईजी स्टेप है, बहुत ही ईजी तरीके से आप इसे कर सकते हो और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है इस आई मेकअप को करने के। ये काफ़ी सिमिलर मैंने किया हुआ है, जस्ट ये एंड ये जो मैंने किया है, ये वाटरप्रूफ बेस मेकअप है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपने नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी और उस पर वीडियो भी बनाऊँगी। और ओपन हेयर बिल्कुल नहीं रखना है, बन बना के रखना है ताकि वो जो कलर है और उसमें जो केमिकल है वो आपके हेयर को नुकसान ना कर सके। और मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून, लॉट्स ऑफ लव। एंजॉय करना है और हाँ कोरोना का भी ध्यान रखना है। ओके, सो बाय।